सुना है जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, आज बोबो और फौजिया की दावते वलीमा में देख भी लिया। 5 लाख तनख्वाह लेने वाले 2 फुट के बुरहान चिश्ती और बोबो की ग्रैंड दावते वलीमा पाक पतन की फौजिया के साथ ओस्लो में अंजाम पाई। मेकअप करवाते हुए फौजिया ने कहा, मैंने अपना और अपने खामन का नाम हाथ पर लिखवाया हुआ है क्योंकि मैं बोबो से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया, आई लव माय हस्बैंड। वलीमा में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़कर दाखिल हुए। इस मौका पर बोबो और फौजिया ने कहा कि वो शादी से बहुत खुश हैं। फौजिया मेरी वाइफ है, ऑफ कोर्स हर एक इंसान को अपनी बीवी प्यारी होती है, तो माशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम भी सारों की तरह अच्छी जिंदगी गुजारें। और मैं उम्मीद करती हूँ सब हमें दुआओं में भी याद रखेंगे, आगे भी बहुत अच्छा टाइम गुजरे। बोबो के वालद फरीद चिश्ती, वालदा और दोस्तों ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बोबो की दावते वलीमा में 13 मुल्कों से मेहमान आए हुए हैं। पापा हूँ, ये उनकी मामा है। हमारी खुशी में सारे मेहमान आए हुए हैं, सारी दुनिया से पहुंचे हुए 12-13 मुख्तलिफ कंट्री से। वेडिंग एंड वी आर सो एक्साइटेड। ये शाम आपके नाम। थैंक्स फॉर अ ग्रेट सेलिब्रेशन। द डे फॉर मिस्टर बोबो। आज लंदन से आए हैं बोबू के लिए, जो हमें आधे नॉर्वे को इकट्ठा किया हुआ। आज नॉर्वे के डाउन की शादी है बोबू शहजादे की। बोबो ने अपनी अहलिया के हमरा केक काटा, अंगूठी पहनाई और साथ मिलकर खाना भी खाया। बोबो ने अपनी मूंछों को सेट करते हुए शानदार अंदाज में डायलॉग बोला कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, क्यों? फौजिया ने कहा, मेरा प्यार, मेरी दुआएं, सब कुछ बोबो के लिए है। प्यार, मेरी दुआएं, मेरा सब कुछ इनके लिए। दावते वलीमा में मरूफ गुलकार तारिक अलेक्सी, उमर गिलानी, राजा काशिफ, रुबाया जहां, बिलाल हसन के गानों पर बोबो अपने दोस्तों के हमरा झूम उठे। जा तुझ पे कर दूं फिदा, अखियों से दूर सोनिए वो बोबू जैसे लोग जो मजदूरी को मजबूरी भी समझते हैं, वो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों के लिए तकलीद मिसाल है। नासिर अकबर, जियो न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीन। अरे अभी तक आपने जियो न्यूज का पेज लाइक नहीं किया? अरे भाई, फौरन लाइक के बटन पर क्लिक करें और फॉलोइंग के मेन्यू में सी फर्स्ट पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जब भी फेसबुक पर लॉगिन करें तो जियो न्यूज हमेशा की तरह सबसे पहले न्यूज पहुंचाकर आपको बाखबर कर सके।